हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, घटनाचक्र सीरीज सामान्य हिंदी के साथ। दोस्तों, हिंदी अभी 28-29 को भी पेपर होने जा रहा है, फिर इसके बाद एपीएस का 7 जनवरी को होने जा रहा है, फिर आरओ, फिर पीसीएस। तो वर्तनी और शुद्धि ये तो हर एग्ज़ाम में पूछ रहा है दोस्तों। UP SSSC का हो एग्ज़ाम हो, या पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या आरओ का एग्ज़ाम हो। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, एक शुद्ध एक वाक्य शुद्ध है इसमें, देखिए कह रहा है, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। तो इसमें कि गलत क्या है, पदार्पण गलत है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पदार्पण का वाक्य अनुचित है, चोरों का क्या होना चाहिए, घुसते ही, ठीक। तो ये गलत है दोस्तों। अब देखिए, अच्छे लेखन के लिए एक शब्द संयम आवश्यक है, तो ये सही है दोस्तों। अब देखिए, कच्छ में असंख्य जनसमूह उपस्थित थे, तो असंख्य शब्द का प्रयोग अनुचित है, यहाँ पर असंख्य शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। रामचरित मानस तुलसी तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है, तो यहाँ सबसे सबसे शब्द क्या है, गलत है दोस्तों। आरओ 2016 पूछा है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। नंबर एक क्या है दोस्तों, छात्रों ने पंडित नेहरू की अभिनंदन पत्र अर्पित किया, महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया दोस्तों। तो इसमें क्या सही है दोस्तों, देखिए, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, सही है दोस्तों। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, ये भी सही है। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, ये भी सही है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, यही गलत है दोस्तों, ठीक। अभिनंदन पत्र नहीं होता है, अभिनंदन पत्र भेंट किए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं दोस्तों। तो देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, तो इसमें अशुद्ध वाक्य पूछा है दोस्तों, ठीक। तो देखिए, तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए, तो यहाँ मे शब्द नहीं होगा, इसलिए गलत है दोस्तों, ठीक, ये गलत है। दूसरा आदमी कौन था, ये सही है दोस्तों। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी सही है दोस्तों। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, तो इमारते के स्थान पे क्या होगा, इमारते, देखिए गलत लिखा है, इमारते के यहाँ पर बिंदी होगा दोस्तों, तो ये भी आपका गलत है। तो ए और डी दोनों गलत है, ये भी आरओ 2016 पूछा है। अगला देखिए दोस्तों, शोक है कि आप मेरे मित्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, शोक है, इसमें क्या शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो ये गलत है। शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, दुख है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, ये भी गलत है। क्षोभ है कि आपने मेरे पत्रों का सही उत्तर नहीं दिया, ये भी गलत है। खेद है कि आप मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, यही सही है, खेद कहा जाता है, ठीक, शोक नहीं कहा जाता है, शोक मरने के बाद कहा जाता है। दुख भी, जैसे मान लीजिए कोई घटना घट गई, क्षोभ भी वहाँ प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताइए। अब देखिए, इसमें क्या शुद्ध वाक्य है दोस्तों, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, ये भी गलत है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, ये भी गलत है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, ये भी गलत है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये सही है दोस्तों, ठीक है। पेट के एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी, मेरे इस वीडियो को शुद्ध और अशुद्ध को जरूर देखिएगा, 1-2-3 क्वेश्चन फंस जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है, अब देखिए दोस्तों, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, गलत है, अनेक नाम है। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख किया गया, यहाँ पर भी अनेकों के जगह अनेक होगा। श्री कृष्ण को अनेकों नाम से पुकारा जाता है, अनेकों नहीं अनेक, अब श्री कृष्ण की अनेक नाम है, यही सही है दोस्तों, ठीक। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, देखो फूलों पर भावरे भिनभिना रहे हैं, देखो फूलों पर भावरे गुंजार कर रहे हैं, देखो फूलों के ऊपर भावरे गुंजारती हैं, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो इसमें क्या शुद्ध सही है, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है, उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका का समाधान हो गया, उन्हें अब शंका नहीं रहती है। तो देखिए, शुद्ध वाक्य कह रहा है, तो उसकी शंका का निवारण हो गया, ये सही है दोस्तों, ठीक। और देखिए दोस्तों, उसकी शंका समाप्त हो गई, ये गलत है दोस्तों, उसकी शंका का समाधान हो गया, ये भी गलत है दोस्तों, उन्हें अब शंका नहीं रही, ये सही है दोस्तों, ठीक। शुद्ध वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण देखिए, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, तो ये गलत है आपका। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी गलत है। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, यही सही है दोस्तों।
मैं वाराणसी जा रहा हूं क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, ये गलत है। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है। काशी सदैव भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा, ये भी गलत है दोस्तों। गांधी जी चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक है, ये सही है दोस्तों। वन जीव के कष्टों का भय भी सीता के राम के अनुगमन पर रोक कर नहीं सका, ये भी सही है। तो देखिए, अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए, ये भी सही है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, अशुद्ध है, तो अशुद्ध कौन सा है, ई। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए क्या है, तो ऑप्शन में देखिए, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपका गलत है। वे सब दोषों पर हीन है, ये भी आपका क्या है गलत है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, ये सही है दोस्तों। वे सभी ही दोष से मुक्त हैं, ये भी गलत है दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। पृथ्वीराज चौहान यदि राजनीतिक चतुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता, ये एकदम सही है दोस्तों। गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ है, ये गलत है दोस्तों। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त है, ये भी गलत है दोस्तों। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया, ये भी गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है दोस्तों, तो देखिए, वह दंड देने योग्य है, चार विद्यार्थियों की नकल करते हुए पकड़े गए, फिर मैंने यह पुस्तक पढ़ी है और उन्होंने अभी अभी खाना खाया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखिए अशुद्ध क्या है, यह दंड देने योग्य है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, ये सही है दोस्तों। मैं पूरी रात जागता रहा, ये गलत है दोस्तों। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गया, उसका प्राण अरे प्राण पखेरु उड़ गया, उसका प्राण उस प्राण उसका खत्म हो गया। तो इसमें क्या शुद्ध वाक्य सही है दोस्तों, उसके प्राण निकल गए। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। उसने मिष्ठान खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ था, पंत जी ने खष्टीपूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई, आप तो अंतर ध्यान हो गए हैं। तो इसमें क्या सही है दोस्तों, उसने मिष्ठान खरीदा। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, तो मैंने बाजार से सामान खरीदा। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। तो इसमें क्या है सही दोस्तों, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, राजीव निरपराधी है, अंगद रावण और श्यामवाद पर प्रकाश डाली, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो इसमें क्या सही है दोस्तों, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। यहाँ गन्ने की ताज़ा रस बिकता है, ये सही है दोस्तों। यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ये गलत है दोस्तों। यहाँ ताज़ा गन्ने का रस बिकता है, ये भी गलत है। ताजे गन्ने की रस यहाँ बिकती है, ये भी गलत है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, शुद्ध रूप बताइए दोस्तों। शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, ये क्या है दोस्तों, गलत है। शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, ये भी गलत है। शेर को देखकर उसके होश भाग गए, ये भी गलत है। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, यही सही है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो इसमें क्या सही है दोस्तों, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है, वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छाटिए। निर्लिप्तता, लिप्तता, निष्कपटता, निपटता। तो इसमें क्या सही है दोस्तों, निर्लिप्तता। निम्नांकित में शुद्ध वाक्य छाटिए। रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली है, रेखा भोजन किया, रेखा ने भोजन किया। तो इसमें क्या सही है दोस्तों, रेखा ने भोजन किया। अगला देखिए दोस्तों, निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुनिए। घर सड़क के ऊपर था, फिर उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वहाँ कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, दो तीन चार पाँच एक। अगला देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है दोस्तों। तो देखिए, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो इसमें क्या सही है दोस्तों, यह आंखों देखी घटना है। अगला देखिए,
अशुद्ध वाक अशुद्ध वाक, या आंखों से देखी घटना है या आंखों देखी घटना है, तो ये क्या सही है, आंखों देखी घटना है। कौन सा वाक शुद्ध है, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि थी, तो इसमें क्या सही है दोस्तों, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। कौन सा वाक शुद्ध है, शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, तो देखिए इसमें शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, शरतकाल में के चंद्रमा में शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, गलत है। कौन सा वाक शुद्ध है, दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खट्टाई है, तो दही खट्टा है। अगला देखिए कौन सा वाक शुद्ध है, सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है, तो इसमें कौन सा ही है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। अगला देखिए दोस्तों इनमें से कौन सा वाक अशुद्ध है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, तो अशुद्ध वाक्य कह रहा है, तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए हैं। अगला देखिए दोस्तों सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए, तो इसमें क्या सही है दोस्तों, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। शुद्ध वाक का चयन कीजिए, गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, तो गुरु आ रहा है। अगला देखिए दोस्तों शब्द क्रम में सही वाक्य क्या है, वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, तो इसमें क्या है, वह आदमी गरीब था। अगला देखिए दोस्तों कौन सा वाक शुद्ध है, आपका शासन संबंधित कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है, आपको भूमि वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यह समाचार पूरे देश में तुरंत फैल गया, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहाँ कहीं का नहीं रहूँगा, तो इसमें यही सही है, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद दोस्तों।